हराम ज्यादा है, तू मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, अरे तुझे तो ऐसा करना शर्मानी चाहिए। चलो फिर पानी में डूब कर कहीं मर जाना था, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, मेरी नजर से दूर। लेकिन मुझे अफसोस है कि दिवाकर सिंह हर वक्त हमारे देश की भलाई के लिए अपने जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, बस इसी बात का मुझे अफसोस है। दिवाकर सिंह तुम्हारे बेटे ने बहुत बड़ी गुस्ताखी किया है, लेकिन आज तुम्हारे बेटे की जान को मैं बख्श रहा हूं, तुम्हारी वजह से ले जाऊं इस तरंगे को अपने बंगले पर और इसे अच्छी तरह समझा देना कि यह हमारी बेटी की तरह, वह हमारे साईं महल की तरह, काश अगर ये दिखाई दिया तो मैं इसे जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा और फिर मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा। आज तुम्हारे बेटे की जान को मैं बख्श रहा हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से। गजराज सिंह आओ हमारे साथ। तूने जो भी अपने दिल में सपना सजा रखा है, ये तेरा सपना कभी साकार नहीं होगा। तुझे क्या समझा कि महाराज की गलती बेटी है और इस कुत्ते से टाका फिलवा कर कभी यहाँ के सम्राट बन जाऊंगा। अरे दिवाकर सिंह, ये तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। जब तक ये गजराज सिंह है, तेरा सपना अधूरा का अधूरा रहेगा। याद रखना मेरी बात को, हमारा नाम है गजराज सिंह। मैं निपुटा हूं कोई संतान नहीं, क्या इज्जत थी आज सब खाक मिल गया। अफसोस मैं गंदी नाली का कीड़ा और कोई पायल कई प्रभार एक घाट पर तमाशा, वो मेरी बहु बनेगी नहीं। पापा मुझे मार खाने में कोई अफसोस नहीं, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि भाई दरबार महारानी सारंगा और मंत्री गजराज सिंह हमारे ऊपर कदम उठा रहे थे, आप खड़े होकर देख रहे थे,
आपके दिल में जरा सा रहम नहीं आए, आपने एक सपना भी बदल तुमने वादा तुमने वादा आकाश कदम मिला देता तो तेरी जान न बची तो मार दिया जाता। कानून मेरे पैरों को बांध रखा था, महाराज ने कोई जुर्म नहीं किया, महाराज का इशान मेरे शरीर राजकुमारी के ऊपर हाथ उठाया, फिर भी महाराज ने तेरी जान को बच दिया। अगर दूसरे का अपलाप होता तो जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता। गजराज सिंह पकाया तू, तुझे मैं इसका जवाब दूंगा। उसे अपनी शक्ल पर ना जाए कि मैं सरदार की बेटी हूं, अगर वो संसार की बेटी है तो तू ये सच्चे वो महाराज से न पत्ता बेटा है, जिस तरह वो अपने देश से निकाल कर तुझे बाहर फेंक दिया उसी तरह पायल को भूल जा, अपने पूरे दिमाग से निकाल कर बाहर कर दू। मैं वादा करता हूं कि पायल से कई बिना खूबसूरत बहु लाकर पंगे में बैठा दूंगा, लेकिन वो पायल मेरी बहू नहीं बनेगी। पापा अगर ऐसी बात है जो जिस तरह पायल अपने दिल से निकाल कर मुझे बाहर कर दिया, उसी तरह मैं भी पायल को अपने दिल से निकाल कर बाहर कर देता हूँ। अब कभी दोबारा मैं पायल की तरफ अपनी नजर उठाकर देखूं मेरे पास मेरे अंदर मोहब्बत खून खोल रहा था, लेकिन मैं पूर्ण था बोल नहीं सका। बेटे काश तू पायल को भूल गया तो तेरे पिता का सर ऊंचा हो जाएगा, नहीं हमेशा के लिए मेरा सर झुक जाएगा, महाराज का जीना खराब कर देंगे, महाराज इस शर्मा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, महाराज आत्महत्या कर देंगे, यह जय खा गए। इसे अब पायल को भूल जाओ, ऐसे फिर कभी नहीं भूल। और हाँ, मेरी रिवॉल्वर कोर्ट में जमा कर दिया, हवेली की तरफ नहीं आया। नहीं, ये जगन्नाथ सिंह तुझे मार देगा और राजघराने की बात है कुछ नहीं कर पाऊंगा, आंख मल कर मैं जाऊंगा कुछ नहीं कर पाऊंगा। चल मेरी साथ, ये बात मां तक नहीं पहुंचना चाहिए, मां से ये छुपा लेना है। मेरे स्वामी जी अभी तक तुम्हें बेचे थे लेकिन नहीं आए, इतने आए इतना